नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपग्रेड यू पर। आज हम एक बार फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए इंग्लिश वोकैब और यह एपिसोड 4th है। यदि आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से आप जाकर के इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए। हमने आज का सबसे पहला वर्ड लिया है ट्रांजिटरी, जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका इंग्लिश मतलब होता है नॉट परमानेंट, हिंदी में अस्थाई, सिनोनिम्स के रूप में टेम्परेरी, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है परमानेंट या फिर परपेचुअल। बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे शब्द की ओर। हमारा आज का जो दूसरा शब्द है वह है अनसर्व, जो कि वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। इसका इंग्लिश मतलब होता है टेक इलीगली, हिंदी में कब्जा करना, सिनोनिम्स के रूप में सीज या फिर टेक ओवर, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है रिनाउंस या फिर रिजाइन। बढ़ते हैं हमारे आज के अगले शब्द की ओर। हमारा आज का जो तीसरा शब्द है वहाँ पे हम चलते हैं। तो हमारा आज का जो तीसरा शब्द है वो है बेनिपोलेंट, जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका इंग्लिश मतलब होता है काइंडली, हिंदी में दयालु या परोपकारी, सिनोनिम्स के रूप में लिबरल या फिर जेनरस, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है क्रूएल या फिर मेलीवोलेंट। और अब चलते हैं हमारे आज के चौथे शब्द पे। हमारा आज का चौथा शब्द है, आपसे हालांकि एक बार गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखो, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बढ़ते हैं चौथे शब्द की ओर। हमारा इसका चौथा शब्द है एब्रप्ट, जो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया गया, इसका इंग्लिश मतलब होता है सडन, हिंदी में अचानक, सिनोनिम्स के रूप में हमने लिया है स्टीप, रैपिड या फिर स्विफ्ट, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है स्मूथ या फिर अनहरिड। बढ़ते हैं हमारे आज के पाँचवें शब्द की ओर। हमारा आज का पाँचवा शब्द है स्लॉथ, जो कि नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, जिसका इंग्लिश मतलब होता है लेजीनेस, हिंदी में सुस्ती, सिनोनिम्स के रूप में हमने लिया है इंडोलेंस या फिर लिथार्जी, जबकि एंटोनिम्स के रूप में हमने लिया है एक्टिवनेस या फिर विगर। तो दोस्तों प्लीज़ अभी मत जाना, क्योंकि इसी के बाद हमारा क्विज है जो आज के शब्दों पर आधारित है। जो भी आज शब्द हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं इसी पर आधारित हमारा इसका क्विज है। तो इसे मतलब अटेम्प्ट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना शब्द आज सीखा। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुल चार शब्द यहाँ पर दिए हैं, जिनमें से दो सिनोनिम्स, दो में आपने सिनोनिम्स बताने हैं और दो में एंटोनिम्स बताने हैं, और सभी के ऑप्शंस भी हैं। तो ऑप्शन देख करके आप इसका आंसर कर लीजिए, और आंसर के बाद आप नीचे दिए गए आंसर से इसको मैच कर सकते हैं कि आंसर सही है या फिर नहीं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर कल मुलाकात होगी अगले नए इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।